महायोगी श्री कृष्ण इस बार द्वापर युगीन दुर्लभ संयोग के बीच आज यानी सोमवार को अवतरित होंगे। आचार्यों के अनुसार चंद्र उदय रात 11:24 पर निशीथ बेला में होगी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण 5250 वर्ष पूर्ण कर 5251 वर्ष में प्रवेश करेंगे। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की निशीथ बेला में मथुरा में कंस के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के घर से अवतरित हुए थे। उस समय वृषभ लग्न एवं रोहिणी नक्षत्र उच्च राशि के चंद्रमा थे। इस साल जन्माष्टमी के दिन भी चंद्रमा वृषभ राशि में और रोहिणी नक्षत्र में होगा। साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, गज केसरी योग और शस राजयोग भी बन रहे हैं। इस बार वृष राशि में उच्च के चंद्रमा है पर बुधवार नहीं है, लेकिन अजब का संयोग है कि 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर सोमवार है। सोमवार को चंद्रवार भी कहते हैं। सोम का पर्याय चंद्र है, यानी प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार उनके पूर्वज के वार यानी चंद्रवार को मनाया जाएगा। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज प्रातः काल से हरिनाथ मंदिर में भी जन्माष्टमी की तैयारी जोरों से हो रही है, जिसमें जय बाबा बर्फानी ग्रुप द्वारा राधा कृष्ण मंदिर को सजाया जा रहा है एवं छोटे बच्चों द्वारा श्री राम के मंदिर को सजाया जा रहा है। तो आज भाद्रपद की कालाष्टमी तिथि भी है, जिसमें भगवान का जन्म जो जिस नक्षत्र में हुआ था रोहिणी नक्षत्र, वो आज रात्रि में वो नक्षत्र मान्य होगा, इसलिए जन्म आज ही होगा। ये कंस के खात्मे के लिए ही भगवान का जन्म हुआ था, जिससे जो पृथ्वी पे त्राही त्राही कंस द्वारा मची हुई थी उससे राहत के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कंस का संहार भी किया।